से राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रबन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रबन्नी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और राधा शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रबन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा, वह होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है नाड़ी दोष, जाने इसके कारण, परिणाम और दूर करने के उपाय। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की कि कुंडली में क्या होता है नाड़ी दोष और इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की माने तो नाड़ी दोष लगने पर जो है वैवाहिक जो जीवन है वह बेहद कष्टमय बीतता है। इसके लिए नाड़ी दोष लगने पर जो है शादी नहीं करनी चाहिए और इसके बावजूद वर और वधु एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो किसी जो है प्रकांड पंडित से या ज्योतिषी से मिल करके सलाह लेकर के और जो है उपाय करके परिणय सूत्र में आप बन सकते हैं। तो वीडियो में सभी लोग जो है अंतिम तक अवश्य बने रहें। तो सनातन धर्म में जो है विवाह से पूर्व जो है कुंडली मिलान का विधान है। सनातन धर्म में जब भी विवाह किया जाता है तो उससे पहले क्या हुआ करते हैं कि कुंडली मिलान होता है। अब कुंडली मिलान से यह ज्ञात किया जाता है कि वर और वधु का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इससे जो है नाड़ी दोष, भकूट दोष, गण दोष, मैत्री स्वभाव आदि देखा जाता है। तो अगर कुंडली मिलान में जो है नाड़ी या भकूट दोष लगता है तो विवाह पश्चात जो विवाह के बाद जो है परेशानियां आती हैं। इसमें जो है नाड़ी दोष लगने पर शादी न करने की जो है सलाह दी जाती है कि अगर किसी की कुंडली पे नाड़ी दोष लग गया तो उन्हें सलाह दी जाती है कि आपकी शादी न करें। और ज्योतिष शास्त्र की माने तो नाड़ी दोष लगने पर वैवाहिक जीवन जो है वह बहुत ही कष्टमय बीतता है। कई मौके पर तो जो है तलाक की स्थिति आ जाती है। इसके लिए नाड़ी दोष लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए, यह जो है ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसके बावजूद वर और वधु एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आपको जो है किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के उपाय कर करके तब जो है परिणय सूत्र में आप बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं नाड़ी दोष के बारे में सब कुछ के क्या होता है या नाड़ी दोष और इसके क्या उपाय हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि क्या है यह नाड़ी दोष। तो कुंडली में यह नाड़ी दोष क्या होता है। तो ज्योतिष शास्त्र की माने तो वर और वधु दोनों की एक नाड़ी होने पर, एक ही नाड़ी अगर दोनों की हो तो यह दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है तीन प्रकार की नाड़ी होती है, जो कर्मशा आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी होती है। अब वर और वधु की अगर एक ही नाड़ी होती है तो वह नाड़ी दोष लग जाता है। अब बात करते हैं नाड़ी दोष के प्रभाव क्या हैं। तो अगर किसी कोई व्यक्ति जो है नाड़ी दोष के बाद भी विवाह करता है तो उसके प्रभाव क्या देखने को उन्हें अपने जीवन में मिलते हैं। तो अगर वर और वधु दोनों एक ही नाड़ी के हैं तो निवारण उन्हें जो है अवश्य करवाना चाहिए। अगर बिना निवारण के वर और वधु की शादी होती है तो कन्या यानी वधु का जो गर्भ धारण करने में जो है परेशानी आती है। जो कन्या है, जो वधु है, उसे जो है गर्भ धारण में परेशानी होती है और वही होने वाले संतान भी जो है असामान्य पैदा हो सकती है। अगर फिर भी अगर कोई जीव जो है जो कोई संतान गर्भ में आती भी है तो वह संतान जो है असामान्य पैदा हो सकती है। नाड़ी दोष लगने पर जो है अचानक से मुसीबतें आती रहती हैं और साथ ही जो है वर और वधु के बीच जो है बेहद कटु रहते हैं, एक दूसरे से जो है विवाद ही इनके बने रहते हैं। इस स्थिति में वियोग की संभावना भी रहती है। मध्य नाड़ी दोष लगने पर जो है, मध्य नाड़ी जो दोष है वह दोष लगने पर वर वधु में से एक या फिर दोनों की मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। इतना जो है यह भयंकर नाड़ी दोष का जो है शास्त्रों में उल्लेख है, ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि नाड़ी दोष को दूर कैसे किया जाए। अगर किसी की कुंडली में नाड़ी दोष होता है तो नाड़ी दोष को दूर करने का क्या उपाय जो है वह शास्त्र बताता है। तो इसे दूर कैसे किया जाए। तो नाड़ी दोष को दूर करना है तो नाड़ी दोष को दूर करने के लिए वर और वधु दोनों को जो है
महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आपको करवाना चाहिए। इसमें जो है 1,25,000 जाप करवाया जाता है, तो 1,25,000 जाप आपको महामृत्युंजय के करवाने चाहिए, और स्वयं भी जो है जितने हो सके महामृत्युंजय का आपको जाप करते रहना चाहिए, और शंकर भगवान का पूजन आपको करना है। साथ ही नाड़ी दोष का निवारण आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए जो है बहुत अनिवार्य समझ करके आपको इस नाड़ी दोष का निवारण करवाना है। इसके अलावा नाड़ी दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए कि आप जो है गाय दान कर सकते हैं, इससे भी जो है नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। स्वर्ण का दान कर सकते हैं, उससे भी जो है नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। अनाज का दान करने से नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। भोजन का दान करने से नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। कपड़ों का दान करने से भी जो है नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। और कई जगह तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नाड़ी दोष को दूर करने के लिए जो है वजन के बराबर जो है अन्न दान करने की सलाह दी जाती है। तो कहीं पे भी ऐसा भी वर्णन आता है कि नाड़ी दोष को अगर आपको दूर करना है तो उस व्यक्ति का जितना वजन होगा उसके बराबर अन्न का दान भी कर सकते हैं। परंतु जो है शास्त्रोक्त जो है नाड़ी दोष को दूर करने के लिए वर और वधु को जो है महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए, और स्वयं भी जो है महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, और विवाह के समय जो है स्वर्ण के एक शालिका बना करके और उसे विवाह के समय उस शालिका को काट देना चाहिए। तो यह उपाय अगर आप करते हैं तो आप नाड़ी दोष के प्रभाव से जो है मुक्त हो सकते हैं। तो जिन व्यक्ति के जिन जातकों की कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ है, यानी कि नाड़ी दोष के बाद भी जिन्होंने विवाह किया है, तो ऐसे जातकों को यह उपाय जरूर करने हैं ताकि आपके जीवन में कोई संकट ना आए, तो यह उपाय जरूर करें। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।